हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको पल पल की खबर सहारा की देते हैं। दोस्तों, आज 25 जनवरी 2020 में हम ये आपको तीसरी खबर दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी सहारा से भी विवाद कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हमारी सबसे ज़्यादा नज़र यही रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों के हित में कौन सा नया फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हमें न्यूज़ मिलती है तो उसके कुछ विपरीत ही न्यूज़ें मिलती हैं और उसमें निवेशकों के हितों को ध्यान में ना रखकर सेबी विभाग और सहारा के कुछ अलग ही 36 के आंकड़े की इसमें न्यूज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हमारे सामने फिर आई है, सेबी सहारा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी। पूरी खबर है, राय को 4 मार्च 2014 को शीर्ष अदालत ने तिहाड़ जेल भेज दिया था और अपनी मां छवि राय का अंतिम संस्कार करने के लिए 6 मई 2016 को 2 साल की जेल में बिताने के बाद पैरोल पर बाहर आ गया था। तब से जेल से बाहर है। आगे खबर है कि सहारा के अध्यक्ष सुब्रत राय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उन्होंने बाजार नियामक द्वारा अपनी समूह की कंपनियों में सार्वजनिक जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मांगे गए अधिकांश बकाया राशि की मंजूरी दे दी है और अनुरोध किया है कि अदालत उन्हें सौंपे गए सुरक्षा कर्मियों को हटा दे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद तादार और स्थायी वकील प्रताप वेणुगोपाल के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड के बाद उसे सुरक्षा प्रदान करने के अपने पहले के आदेश को बदलने से इनकार कर दिया। आगे खबर है कि सेबी ने अदालत को सूचित किया कि उसने जब तक ब्याज सहित केवल पैसे का एक हिस्सा भुगतान किया था। वेणुगोपाल ने दलील दी कि सुरक्षा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि उन पर नज़र रखने और सुनिश्चित करने के लिए कि वह आवश्यक होने पर अदालत में आए। जब राय की ओर से पेश हुई, वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत से सहारा सुब्रत राय को अपनी सुरक्षा व्यवस्था से मुक्त करने का आग्रह किया और JSAI ने टिप्पणी की कि एक विशाल सुरक्षा विस्तार इन दिनों VIP की पहचान था, यहाँ तक कि अदालत के पहले के आदेश के अनुसार भी आदेश। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है। आगे खबर है कि पीठ ने हालांकि शुक्रवार को अदालत में पेश होने वाले राय की व्यक्तिगत उपस्थिति को सुनवाई के दौरान अदालत में माफ़ कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2014 में राय को सिविल जेल में सेबी को 25,781 करोड़ रुपए बकाया भुगतान करने में विफल रहने पर रिमांड लिया था। निवायक ने 2012 में अदालत द्वारा अवैध घोषित समूह की 2 योजनाओं के ग्राहकों को पैसा देना था, उन्हें पैरोल पर तब रिहा किया गया था जब उनकी मां 2 साल बाद गुजर गई। सेबी ने तर्क दिया कि जब ब्याज के साथ कुल प्रिंसिपल अब पार हो गई है, मूल राशि पर 15% ब्याज 70,000 करोड़ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी राशि होती है, 70,000 करोड़। इतनी बड़ी राशि इस वक्त सहारा सुब्रत राय पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है और सहारा सुब्रत के हालात इस वक्त ऐसे हैं, खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे वाले हालात हैं, जिसका खामियाना सेबी के 36 के आंकड़ों का खामियाना निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। सीधी सीधी बात यह है, अभी सेबी विभाग ने इसका पूरी तरीके से पीछा नहीं छोड़ा दोस्तों, लेकिन सेबी विभाग क्यू शॉप के इस मैटर पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही है, इससे हमें बहुत खेद है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।